हनुमान वानरों के राजा केशरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वह जानकी के अत्यंत प्रिय। इधर धरा पर जिन 7 ऋषि मुनियों को अमृत्व का वरदान प्राप्त है उनमें से बजरंग बली भी हैं। आज हनुमान जी की कथा में आपको हनुमान जी का विवाह कब हुआ और हनुमान जी के पीछे रहस्य शेयर कर रहे हैं। इस हनुमान कथा में आपको हनुमान जी की पत्नी और उनके राज्य के बारे में जानकारी देंगे, तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं। हनुमान जी के विषय में हम जो भी जानते हैं उसका स्रोत सिर्फ रामायण में ही है। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रची गई थी और इसी रामायण को आधार बनाकर समय समय के साथ अनेक भाषाओं में रूपांतरण किया गया है, किंतु भारतवर्ष में अधिकतर लोगों को राम भक्त हनुमान जी के अनंत आयामों की और जानकारी ही नहीं है। वे त्रेता में श्री राम के साथ थे, द्वापर में श्री कृष्ण के साथ थे और इस कलयुग में भी वह जागृत हैं और आगे भी रहेंगे। हनुमान जी का कथा का विस्तार वर्णन महर्षि पराशर की पराशर संहिता में मिल जाएगा। हाँ, यह ग्रंथ किसी समय में दक्षिण भारत के अत्यंत प्राचीन था, किंतु कलहवश यह लुप्त हो गया और कुछ लोगों के घरों तक ही सीमित रह गया। उसी पराशर संहिता में आज आपको हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो रामायण में आपको नहीं देखे और ना ही पढ़े होंगे, परंतु पराशर संहिता में सहज ही मिल जाएंगे। जैसे कि सभी को पता है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंबा सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के इस रूप का वर्णन नहीं मिला है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी के विवाह भी हुआ था, लेकिन इसके उपरांत भी हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही रहे। एक हनुमान कथा के अनुसार हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय भगवान सूर्य के समक्ष से धर्म संकट आ गया। वो ये कि कुल 9 तरह की विद्याओं में बची 4 विद्या प्राप्त करने के लिए विवाहित होना आवश्यक था। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और बिना विवाह वह संभव नहीं था, और इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्या नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी की सदैव ब्रह्मचारी रहने के प्रण का भान होते हुए भी अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुचला को हनुमान जी से विवाह करने हेतु मना लिया। विवाह के बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई और हनुमान जी भी एक ब्रह्मचारी ही रह गए। पराशर संहिता में स्पष्ट लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचार्य भी प्रभावित नहीं हुआ। इसका प्रमाण आपको तेलंगाना के हम्बम जिले में येलंडू गांव में स्थित हनुमान मंदिर में मिल जाएगा, जो हैदराबाद के करीब 220 किलोमीटर दूर है। यह हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुचला के साथ विराजमान है। साथ ही इस मंदिर में सुसेन, नील, मगध, जामवंत के अन्य वानर भी हैं और हनुमान जी की सवारी ऊंट को भी आपको इस मंदिर में दिखाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि भला हनुमान जी को ऊंट की क्या जरूरत पड़ी जब वह लंका जाने के लिए पूरे समुद्र को या संजीवनी लाने के लिए हिमालय को उड़ा कर सहज ही पार कर सकते हैं, तो धीरे चलने वाले ऊँट की सवारी क्यों? वाल्मीकि रामायण और पराशर संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वानर लोग किष्कंधा राज्य में रहते थे और पंपासुर, जिसे पंपा झील भी कहा जाता है, के चारों ओर घूमते थे। यह पंपा सरोवर वर्तमान में कर्नाटक में हप्पी के पास कोपला जिले में है। यह तुंगभद्र नदी के समीप है और इसे भारत के 5वें पवित्र सरोवर या झील में से एक माना जाता है। पराशर संहिता में वर्णित है कि उन्हीं दिनों हनुमान जी की पंपा झील के किनारे घूमने की इच्छा हुई, तो उन्होंने गंधमदन की तलहटी के पास ऊँट पर चढ़ाई की और ऊँट की पीठ को स्वर्ण वस्त्रों से सजाया गया था। हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी और सूर्य पुत्री सचुला, सुसेन, नील, मगन, जामवंत, गंधमदन और द्विविदा भी घूमने जा रहे हैं, और यह स्पष्ट रूप से हम आपको विदित है कि इस झील के किनारे रेत में चलना आसान नहीं है और केवल एक ऊँट ही आसानी से चल सकता है।
चूँकि हनुमान जी झील विहार का आनंद लेना चाहते थे तो उन्होंने तो उड़कर सह परिवार जाने में वह आनंद नहीं जो रेत में ऊँट की सवारी का है, इसलिए उन्होंने ऊँट की सवारी की। इसका उल्लेख पराशर संहिता में पंपा सरोवर वर्णन उल्लेख 32 और 33 में किया गया है। हनुमान जी की इन लीलाओं का वर्णन आपको पराशर संहिता में मिल जाएगा। हनुमान जी के विषय में यह दिलचस्प जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोगों को पहले से पता था कि हनुमान जी का विवाह हुआ है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सहयोग करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद।